नोटबंदी के बाद 50 दिन में हालत सामान्य होने के दावे को झटका लगा है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद हालात को सामान्य होने में अभी 2 महीने यानी फरवरी तक का समय लग सकता है। इस रिपोर्ट ने सरकार के साथ साथ लोगों को भी झटका दिया है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया था। इस नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से 50 दिन का समय मांगा था और 50 दिन में हालात सामान्य होने का दावा किया था, मगर मौजूदा हालात देखकर इस बात की उम्मीद कम है कि दिसंबर के आखिर तक हालात सामान्य हो पाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि देश में कैश की किल्लत की कमी फरवरी आते आते समाप्त हो जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखकर माना जा रहा है कि पुरानी 75% तक की करेंसी का हिस्सा वापस आ गया है, वहीं इतने ही मूल्य की नई करेंसी बाजार में जनवरी के अंत तक आने का अनुमान है, जिसके बाद ही स्थिति में सुधार की संभावना है। तो नए साल में भी लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब देश के सबसे बड़े बैंक ने भी स्थिति के पहले जैसे सामान्य होने में फरवरी तक का समय बताया है। देखते रहिए DB Live।